प्रणाम दीदी। देखै छियै गिलास आरमे मट्टी करि रहल छियै। हाँ दीदी मट्टी करि रहल छियै। कहाँ आयल छौ दीदी? गेल रहियै दीदी कोटा, ओन्नेसँ घुरलियै ने तऽ कहलियै कि से मालती दीदी भेंट करि लै छियै तब जे हमे दिन देखै छौ हैया मट्टी गिलासमे करि रहल छियै। मिट्टी दीदी गिलासमे करि रहल छौ, ई मिट्टी तऽ बुझबै छौ दोसरे रङ्गके। दीदी ई मिट्टी जे छै ने से उपचारित मिट्टी छै। ओ ई मिट्टी दीदी उपचारित मिट्टी छै? हाँ दीदी। दीदी ई मिट्टियो ई उपचारित होइ छै कहूँ? हाँ दीदी मिट्टी उपचारित होइ छै। मिट्टी उपचार कहिना करै छौ दीदी? दीदी मिट्टी उपचारित करि कऽ एहिमे पौधशाला लगेबै ने 100% अंकुरण अयतै। दीदी केना केना कऽ मिट्टी उपचारित करलो? दीदी 25 किलो मिट्टीमे 5 किलो बर्मी कम्पोस्ट मिलेलियै। जकरा बर्मी कम्पोस्ट नहि रहतै दीदी ओ 10 किलो से कम्पोस्ट मिलाए कऽ 50 ग्राम दीदी बीवेस ट्यूबमे मिलाए कऽ 48 घंटा जूटके बोरा से झाँपि कऽ छोड़ि देलियै। 48 घंटा दीदी कहने ओकरा ढकी कऽ रखलियै मिट्टीमे? दीदी बर्मी कम्पोस्ट जे मिलेलियै आ बीवेस टी ओ 48 घंटा जूटके बोरा से झाँप कऽ रखने से मिल गेलै सब। दीदी पौधशाला तैयार करैके की उद्देश्य छै? मिट्टीमे जे हानिकारक बैक्टीरिया रहै छै दीदी ओ उपचारित करला से खत्म भए जाइ छै। कम समयमे दीदी पौधा तैयार भए जाइ छै आओर रोग से लड़ैके क्षमता बढ़ि जाइ छै आओर स्वस्थ रहै छै। दीदी पौधाके जे जड़ सुखै छै ने ओ जड़ सुखैवला बीमारी से बचाव होइ छै। तब दीदी मिट्टी उपचारित करना से जरूरी ने छै तब? हाँ दीदी जरूरी छै। दीदी एते चीज तोरा बता देलियै लेकिन अपन परिचय दीदी नहि बतेलहो, अपन परिचय बता दहो। ठीक छै तोरा दीदी बता दै छी। हमर नाम सुनीता देवी पार्वती संघ सहायता समूह का सदस्य हूँ। सूरज जीविका महिला ग्राम संगठन का सदस्य हूँ। घर संध्या घाट थाना मीरगंज प्रखंड धमदाहा जिला पूर्णिया का निवासी। अपना परिचय हम दीदी बता देलियै, आप अपना परिचय बताओ। ठीक छै दीदी हम अपना परिचय बता दै छी। हमर नाम मालती देवी छै। पूजा संघ सहायता समूहके हम कोषाध्यक्ष छियै। सूरज जीविका महिला ग्राम संगठनके अध्यक्ष छियै। घर संझा घाट छै आ थाना मीरगंज आ प्रखंड धमदाहा जिला पूर्णियाके निवासी छियै। पौधशाला तैयार करैमे कोन कोन सामान लागै छै दीदी? दीदी ई जूटके बोराइमे लागै छै, प्लास्टिकके गिलास लागै छै आ ई उपचारीकरण बीजीमे लागै छै। ओ ई सब सामान लागै छै? हाँ दीदी सब सामान लागै छै। दीदी ई 25 किलो मिट्टी छै दीदी, ओहिमे ई 5 किलो बर्मी कम्पोस्ट मिलाए देबै। ई 50 ग्राम बेवेस्टिंग आओर दीदी ई उपचारी बीज आओर दीदी ई प्लास्टिकके गिलास लागै छै। ई प्लास्टिकके गिलास दीदी आओर उतना सामान लागै छै? हाँ दीदी उतना सामान लागै छै आओर ढकै लए ओकरा दीदी एगो जूटके बोरा लागै छै। ई सब गिलासमे तऽ आधा आधा गिलास मिट्टी आब डालि देलियै, आब ईमे अंकुरित बीज आब डालै छियै। चलो दीदी दीदी आप पौधशालामे तऽ आनलियै, आब एकरा बढ़िआँ सजा कऽ राखि दै छियै। एकरा आब तऽ नर्सलामे सजा देलियै गिलासके, आब एकरा जूटके बोरा लऽ कऽ ढकाए दै छियै। दीदी ई आब जूटके बोरासँ झपा देलियै, जकरा जूटके बोरा नहि रहतै तऽ किस झपतै? दीदी जकरा ई जूटके बोरा नहि रहतै ने ओ सूखा पुआलसँ ढकै सकलै ने, आ नहि तऽ सूखा घास। दीदी जकरा ई जूटके बोरा नहि रहतै तऽ ओ सूखा पुआलसँ आओर घास सूखा भी से झाँपि सकै छै? हाँ दीदी सूखा पुआल से सूखा घास से भी झाँपि सकै छै। दीदी एकरामे नमी नहि रहला पर बीचो बीचो मे पानीके छिड़काव करल पड़तै। ई जे छै ने दीदी एक बगल तऽ खुल्ले छै, चलो एकरो जाल से घेरी दै छियै। दीदी एकरा घेर दै छियै।
अब एकरा बन दे छी दीदी पौधशाला लगाबे से की लाभ छै सारा लगेला से दीदी से 100% अंकुरण आबै छै आ समय से पहले फलन फरै छै और हरा भरा फल रहै छै और बाजार मूल भी अधिक मिलै छै पौधशाला तैयारी करैमे दीदी कोनो सावधानो रखल पड़ै छै हाँ दीदी सावधानी रखल पड़ै छै की सावधानी रखल पड़ै छै दीदी सावधानी ई राखे पड़ै छै कि जे बीज अंकुरित होना चाहिए मिट्टी उपचारित होना चाहिए नमी नहि रहला पर दीदी सुबह या शाम पानी के छिड़काव करल पड़ै छै अबे ई सब सावधानी रखल पड़ै छै दीदी हाँ दीदी ई सब सावधानी रखल पड़ै छै किसान दीदी भाके दीदी संदेशो देबो हाँ दीदी संदेश दिए पड़तै किसान दीदी भाई हमे सब किसान दीदी भाई के आवेदन करै छी कि पौधशाला तैयार करके ही लगाना छै जकरा से कि अनेको लाभ छै अपनो कीमती समय जे निकाली के हमरा गर्मा पौधशाला के बारे में जे बतेलो दीदी ओकरा लिए बहुत बहुत धन्यवाद।